और सिदरतुल मुंतहा ही पे अल्लाह ताला की मुलाकात हुई अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ। और सूरतुल नजम में इसका जिक्र है, वहां पे अल्लाह ताला ने वही भी किया आप अलैहिस्सलाम को। सही मुस्लिम में आता है कि तीन चीजें आपको वहीं पे अता हुई। नंबर वन, पांच नमाजें। वो डिटेल बुखारी मुस्लिम में आती है कि 50 थी कम होते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब वो आते थे ना छठे आसमान के ऊपर, तो कहते थे हजरत ज्यादा है काम करवाएं, एक फेरे ही बस और लगना थी, वो कौन ही लग गया, वरना वो पांच पांच काम होते पांच तक रह गई। फिर उसमें अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में, अल्लाह ने कहा कि मेरा कौल भी नहीं बदलेगा, तुम्हारी उम्मत पड़ेगी पांच। सूरतुल अनाम में है कि एक नेकी 10 के बराबर है, तो मैं उनको सवाब 10 का ही दूंगा, एक के बदले 10 का, तो वो नमाजें 50 के ही सवाब मिलेगा, पांच के गेज। दूसरा तोहफा दिया गया सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात, सही मुस्लिम में आता है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। सर ये दो आयात वो हैं जो इस दुनिया में नाजिल नहीं हुई हैं, आसमानों पे नाजिल हुई हैं, आसमान से आसमानों पे नबी इस्लाम के मुबारक सीने पे। और सही मुस्लिम में आता है कि तीसरी चीज जो आपको दी गई कि आपका जो कोई उम्मती शिर्क नहीं करेगा ना मैं उसे माफ कर दूंगा। तो इसको तो सपोर्टिव फिर कुरान में भी आया था, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा, उस पर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना दोजख है और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई दुआ दी थी, उसने इस दुनिया में ही दुआ कर ली। हजरत नूह ने दुआ की, उसकी वजह से उनकी कौम हलाक हो गई, मैंने अपनी दुआ छुपा के रखी है क़यामत के दिन के लिए, मैं इस दुआ से अपनी उम्मतियों के लिए शफात की दुआ करूंगा और मेरी दुआ से हर मेरे उम्मती को नफा पहुंचेगा सवाए उस शख्स के जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ शिर्क किया। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये तीन गिफ्ट आप अलैहिस्सलाम को मिले, पांच नमाजें, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात और जो शिर्क नहीं करेगा उसकी मग़फ़िरत। La 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 la